गाड़ी जो है ये ओवर स्पीडिंग करती हुई आ रही है, कैमरे पे भी इसको देखा जा सकता है। अभी मोटरवे पुलिस के ऑफिसर जो है वो इस गाड़ी को रोक रहे हैं, आप देखें ये गाड़ी जो है इसको रोक लिया गया है। आइए चलते हैं इनसे बात करते हैं कि क्यों ये ओवर स्पीडिंग करते हुए आ रहे थे। बोर्ड पीछे तीन बोर्ड आप क्रॉस करके आ गए हैं, आपने एक बोर्ड भी नहीं देखा। अभी आपकी स्पीड लिमिट 88 हमारे रिकॉर्ड में आई है, अभी इस पे आपको एक चलान टिकट इशू किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुबशर नज़ीर कुरैशी और आप देख रहे हैं आवाज़ पाकिस्तान। नाज़रीन आज हम मौजूद हैं नेशनल हाईवेज़ एंड मोटरवेज़ पुलिस के साथ जीटी रोड पर, जहां पर आप देख सकते हैं मेरे अकब में एक कैमरा नस्ब है जो कि आने वाली गाड़ियों की स्पीड को मैयर करता है और ये जांचा जाता है कि जो स्पीड लिमिट है उसको वायलेट तो नहीं किया जा रहा, ताकि एक्सीडेंट की शरह जो है उसको कम से कम किया जा सके। आज हम आपको दिखाएंगे कि ये कैमरा किस तरह वर्क करता है, किस तरह नेशनल हाईवेज़ एंड मोटरवेज़ पुलिस ये देखती है कि आने वाली गाड़ी की स्पीड कितनी है और अगर वो वायलेट करती है तो उसको कितना जुर्माना और कितना चालान किया जाता है। मेरे साथ मौजूद है मोटरवेज पुलिस के ऑफिसर्स, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? माशाल्लाह जी, आप बड़े अलर्ट खड़े हैं कौम की जानो माल के तहफ्फुज को यकीनी बनाने के लिए, तो बताइएगा ये जो कैमरा यहाँ पे नस्ब है ये इसका क्या फार्मूला है, ये कैसे आने वाली गाड़ी की स्पीड को मैयर करता है? असल में हमने ये कैमरा जो नस्ब किया हुआ है यहाँ पे, ये आगे सिटी एरिया और सिटी एरिया से पहले हमने इसलिए नस्ब किया है कि सिटी एरिया में बहुत ज़्यादा रश होता है, लोग पैदल भी जा रहे होते हैं। इस कैमरों को नस्ब करने का मकसद ये है यहाँ पे कि लोग अपनी स्पीड को कंट्रोल करें, ओवर स्पीडिंग ना करें। इसको इंस्टॉल करने से पहले हमने देखे हाईवे के ऊपर पीछे तीन बोर्ड लगे हुए हैं जिनके ऊपर स्पीड लिमिट 50 लिखी हुई है, तो सिटी एरिया के अंदर जो स्पीड लिमिट होती है 1.5 किलोमीटर की रेंज में वो 50 हो जाती है। जब कोई भी रोड यूज़र उस बोर्ड को क्रॉस कर लेता है तो इट मीन्स कि उस पर 50 की स्पीड लिमिट इम्प्लाई हो जाती है, ठीक है। वो 50 स्पीड की, अगर वो 50 की स्पीड को क्रॉस करता है तो हमारा ये कैमरा जो है इस पर हमने कैलिब्रेशन की हुई है, ये 50 से स्पीड से ऊपर जितनी भी गाड़ियाँ हैं उसको हम लेज़र बीम के जरिए टच करते हैं तो हमें बता देता है कि ये गाड़ी 50 से ऊपर आ रही है। फिर जो गाड़ी 50 से ऊपर होती है हम उसको चेक करते हैं, रोक के उसको फिर उस कोड में वायलेशन में उसको चलानी शुरू करते हैं। अजी बिल्कुल नाज़रीन, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आज की इस वीडियो में हम आपको ये भी दिखाएंगे कि अवाम का रवैया कैसा होता है, अवाम किस तरह से पेश आती है वायलेट करने के बाद। हमारे साथ एक और ऑफिसर मौजूद हैं, उनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये कैमरा किस मैकेनिज़्म के ऊपर वर्क करता है, कैसे जो है ये आने वाली गाड़ी की स्पीड को जज करता है और इस कैमरे की क्या स्पेसिफिकेशन हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा सर, ये इस कैमरे के मैकेनिज़्म के हवाले से, वर्किंग फेनोमेना के हवाले से हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिएगा। जी, ये हमारे पास जो स्पीड लिमिट कैमरा इस वक्त जिसके ज़रिए हम काम कर रहे हैं, स्पीड लोगों की चेक कर रहे हैं, ये चैलेंजर 4000 है। इसके अंदर लेज़र गन है, कैमरा है और एलसीडी डिस्प्ले है, उसके साथ रिमोट है। ये आने वाली गाड़ी के ऊपर हम इसकी जो लेज़र गन है उसके ज़रिए रेज उस गाड़ी को हिट करती हैं, वो जब रेज हिट करके वापस दोबारा लेज़र के अंदर आती हैं तो वो उसकी जो स्पीड है वो मैयर करके हमें बताती है। स्पीड के लिहाज से, क्योंकि आवाम हमारी जो है उनको आगाही जो है वो इंतहाई ज़रूरी है, स्पीड के लिहाज से हाईवे जो है उसको दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, एक अर्बन एरिया है और एक रूरल एरिया है। अर्बन एरिया वो है जहाँ पे शहरी आबादी शुरू होने लगती है, तो उससे तकरीबन 1 किलोमीटर पीछे जो वो अर्बन एरिया बाकायदा रोड सेफ्टी और स्पीड लिमिट के साइन बोर्ड लगा के डिस्प्ले कर दिया जाता है ताकि लोगों को पेशगी आगाही हो जाए कि आगे स्पीड लिमिट जो है वो कम हो गई है। तो अर्बन एरिया में क्योंकि ख़तरा होता है, पेडिस्ट्रियल क्रॉसिंग होती है, रोड जो गाड़ियां हैं वो यूटर्न भी ले रही होती हैं, स्लो मूविंग व्हीकल्स भी होती हैं, तो इसलिए यहां पे स्पीड लिमिट जो है वो उसको कम कर दिया जाता है कि खुदा ना खास्ता कोई नाखुशगवार वाक़या या कोई हादसा रूनमा ना हो। जो रूरल एरिया है उसके अंदर तो 100 स्पीड लिमिट है, और स्पीड लिमिट इम्प्लीमेंट करने के लिए इस कैमरे को लगा के हम उस गाड़ी की बकायदा मूवी बनाते हैं, मूवी क्लिप बनाते हैं जिसमें गाड़ी की तमाम जो आने वाली एक्टिविटी है वो नज़र आ रही होती है, उसके अंदर उसकी नंबर प्लेट, गाड़ी की किस्म, साफ कलर, सब कुछ रिकॉर्ड होता है। और हम रोक के पहले रोड यूज़र को ब्रीफ करते हैं कि आपने यहाँ पर जो है वो ओवर स्पीडिंग की है, जिस पर वो रोड यूज़र इस्तफसार भी करते हैं कि जी क्या आगाही पीछे बोर्ड लगाए गए हैं। उनको बताया जाता है कि जी हम जहाँ पे कैमरा इंस्टॉल करके बैठे हैं इससे 1 किलोमीटर पीछे आगाही पेशगी रिपोर्ट बोर्ड लगे हुए हैं। बिल्कुल
नाजरीन मोटरवे पुलिस जो है वो आवाम के जानो माल के तहफ़ को यकीनी बनाने के लिए हर वक्त अलर्ट है। और उन्होंने बताया कि ये 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड का मार्जिन भी देते हैं, जो कि अच्छा खासा मार्जिन होता है, उसके बाद जुर्माना किया जाता है। मैं कैमरे के हवाले से आपको थोड़ा सा सरसरी सा बताता चलूँ, ये कैमरा है, ये इसकी स्क्रीन है जहाँ पर वाज तौर पर देखा जा सकता है कि स्पीड भी लिखी आ रही है। लेज़र इसके साथ जो है ये हाई क्वालिटी लेज़र है, ये नस्ब है। जब ये नीचे से ट्रिगर प्रेस करते हैं तो यहाँ से जो लेज़र बीम है वो निकलती है और मुतलका गाड़ी के साथ टकराती है, और यहाँ पे उसकी स्पीड जो है वो वाज़े नज़र आ जाती है कि आने वाली गाड़ी इस स्पीड के साथ आ रही है। उसके साथ यहाँ पे एक हाई क्वालिटी कैमरा भी नस्ब है, जो कि इस तमाम तर कार्रवाई को रिकॉर्ड करता है, और ताकि सबूत रहे, और कल अगर कोई सारिफ जो है रोड यूज़र अगर एतराज़ करता है कि मेरी स्पीड कम थी, तो उसको ये दिखाया जाता है कि आपने स्पीड वॉलेट की है तभी आपको रोका गया है। नाजरीन ये आप देख सकते हैं गाड़ी जो है ये ओवर स्पीडिंग करती हुई आ रही है, कैमरे पे भी इसको देखा जा सकता है। अभी मोटरवे पुलिस के ऑफिसर जो है वो इस गाड़ी को रोक रहे हैं, आप देखें ये गाड़ी जो है इसको रोक लिया गया है। आइए चलते हैं, इनसे बात करते हैं कि क्यों ये ओवर स्पीडिंग करते हुए आ रहे थे। अभी मोटरवे पुलिस के हुकाम भी हमारे साथ मौजूद हैं, आइए चलते हैं और इनसे बात करते हैं। अजीन ये गाड़ी अभी ओवर स्पीडिंग करती हुई आ रही थी, जिसे मोटरवे पुलिस के हुकाम ने कैमरा से स्पीड चेक करके रोका है। गाड़ी के ड्राइवर जो हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थोड़ा ऊंचा बोलिएगा। वालेकुम सलाम। जितनी स्पीड से आप गाड़ी चला रहे थे उतना ऊंचा बात भी करें। अच्छा ये बताएं आपका लाइसेंस बना हुआ है सबसे पहले सर, इनका लाइसेंस बना हुआ है? जी जी इनका लाइसेंस बना हुआ है। ये मोहतरम 88 स्पीड पे आ रहे हैं, यहाँ पे स्पीड लिमिट 50 है, ये सिटी एरिया है, यहाँ पे 50 स्पीड लिमिट है, आप 88 पे आ रहे हैं। आप कैमरा रिकॉर्डिंग में आ चुके हैं, अभी आपकी स्पीड 88 थी, इस पर आपको एक चलान टिकट इशू किया जाएगा। अच्छा आपको नहीं पता कि 50 स्पीड लिमिट है, पीछे बोर्ड्स भी लगे हुए हैं, वहाँ पे भी देखा जा सकता है, लेकिन आप उसके बावजूद बड़ी स्पीड से आ रहे हैं और पीछे बंदे भी आपने काफ़ी बिठाए हैं। मैंने बोर्ड नहीं देखा, जो सीधी सी बात है। देखें अगर आप खुदा ना हास्ता, आप खुदा ना हास्ता आपका अगर एक्सीडेंट होता है तो आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ ये मौजूद हैं, ये दो चार लोग और आपके साथ मौजूद हैं। और नाज़रीन रोड पे मौजूद तमाम लोगों की जो जाने हैं वो रिस्क पर होती हैं, और बड़ी एहतियात के साथ ड्राइविंग करनी होती है। आप 31 की जो है स्पीड उसको ज़्यादा करके चला रहे थे, और आपको पता होना चाहिए कि GT रोड पर कुछ रूल्स रेगुलेशन हैं, तो क्या समझते हैं अब आपका चलान होना चाहिए या क्या होना चाहिए? सर मैंने सीधी सी बात है जो स्पीड लिमिट नहीं देखी, हमें पता ही नहीं था। नहीं अब चालान होना चाहिए या क्या होना चाहिए? मर्जी है सर। अगर चालान आपका कर रहे हैं तो ठीक कर रहे हैं, वो तो मैंने देखी नहीं। आप जिम्मेदार पाकिस्तानी शहरी हैं, आपको चाहिए कि आप कहें कि अगर मैंने वॉलेट किया है तो मुझे इसका सजा मिलनी चाहिए। सर मुझे पता नहीं था, नहीं तो मैं इतनी लिमिट। बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड तो आपने देखना है, ऑफिसर्स ने तो नहीं दिखा। तीन बोर्ड आप क्रॉस करके आ गए हैं, आपने एक बोर्ड भी नहीं देखा। अभी आपकी स्पीड लिमिट 88 हमारे रिकॉर्ड में आई है, अभी इस पर आपको एक चलान टिकट इशू किया जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट टाइम आपने बिल्कुल ख्याल करना है इस चीज़ का, और कभी कहीं भी रोड के आइंदा के लिए भी जब भी आप सिटी एरिया के अंदर इन होते हैं वहाँ पे स्पीड लिमिट 50 हो जाती है और पीछे बोर्ड लगे हुए हैं उनको देखना है आपने, फिर गाड़ी को ड्राइव करना है। आपके पास इस्लामाबाद का लाइसेंस है, ठीक है? इस चीज़ का जब आपने लाइसेंस लिया था वहाँ पर आपको स्टॉप साइंस बाकी डिफरेंट किस्म के साइंस दिखा के फिर लाइसेंस इशू किया गया था। इस तरह ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जब भी आप रोड के ऊपर आते हैं जितने भी रोड के ऊपर रोड साइंस लगे हुए हैं रोड फर्नीचर्स हैं उन सबको देख कर ड्राइव करें। आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से किसी मासूम की या किसी भी इंसान की जान जा सकती है, ठीक है? रोड के ऊपर यहाँ पे पेडेस्ट्रियन भी हैं जो पैदल भी वॉक कर रहे हैं, इसलिए हमने इस जो सिटी एरिया यहाँ पर स्पीड लिमिट 50 रखी हुई है, ये गवर्नमेंट का असूल है, इसलिए आपको चलान इशू किया जाएगा, आइंदा के लिए आपने ख्याल करना है, ठीक है? अजी बिल्कुल नाजीन, शहरी हदूद में अगर आप स्पीड लिमिट को एक्सीड करेंगे तो किसी की जान को भी खतरा हो सकता है। आप जा किधर रहे हैं? गुजर खान। अच्छा गुजर खान जा रहे हैं, कोई शादी शुदी अटेंड करने तो नहीं जा रहे इतनी स्पीडों से? काम करके आए हैं उधर। मैरिड हैं आप? नहीं। तो अभी तो आपकी शादी भी होनी है, ज़रा एहतियात से ड्राइव किया करें और अपने आपनी और अपने अहले खाना की जो ज़िंदगियां हैं उनको महफूज बनाएं। ये लोग आप लोगों की सेफ्टी के लिए खड़े हैं। सर कितना इनको टिकट इशू कर रहे हैं? इनको B20 कोड है हमारा, जो हमारी स्पीड लिमिट 50 से अबव 90 की रेंज में होते हैं, मोर देन 40 किलोमीटर से नीचे, और हमें उनको हम B20 कोड में 750 का टिकट इशू करते हैं। इनको 750 का टिकट इशू किया जाएगा ताकि नेक्स्ट टाइम ये चीज़ का ख्याल किया जाए। जब ये पेनल्टी देंगे इनको ये चीज़ इस चीज़ का एहसास होगा कि सिटी एरिया के अंदर हमें आइंदा इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल जी, इनको 750 रुपये का टिकट इशू किया जा रहा है, और अगर आप लोग भी GT रोड पे ड्राइव करते हैं तो बड़ा बी अवेयर रहें, आप लोगों को भी ये टिकट इशू किया जा सकता है अगर आप लोगों ने ट्रैफिक कवानीन और रोड कवानीन की खिलाफ वर्जी की।
जी बिल्कुल नाज़रीन, अभी इनके जो चालान है इनका प्रिंट आउट निकलेगा, ये डिजिटल जो है मशीन इस वक्त मोटरवे हाईवे एंड मोटरवे पुलिस के पास मौजूद है। अभी ये देखें आप जो है इनके पूरी डिटेल्स के साथ जो है ये प्रिंट आउट जो है निकल आया है। मेरा कैमरामैन आपको आप अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है, आप ज़रा गौर से देखें। इसमें इनकी तमाम तर डिटेल्स हैं जिसमें इन्होंने जो वायलेशन की है, जो स्पीड लिमिट को एक्सीड किया है, वो सब कुछ शामिल है। इनको एक टिकट की कॉपी इनको दी जाती है सर? अच्छा, एक टिकट की कॉपी आप देख सकते हैं कि इनको दे दी गई है जी। इस टिकट की तीन कॉपी होती हैं, एक हम देते हैं जो वायलेटर है जिसने वायलेशन की है उसके हैंड ओवर की जाती है, ये हमारे साथ बैंक का नुमाइंदा है। एक कॉपी अपने रिकॉर्ड के लिए ये रख लेते हैं, जबकि एक कॉपी हम जो अपनी मोटर पुलिस के पास रखते हैं हमारे रिकॉर्ड के लिए। इन तीनों कॉपीज़ के ऊपर डिटेल कम्प्लीट लिखी होती है। अब इनको ये मैंने B20 कोड में टिकट इशू किया, साथ ही इनको मैसेज भी आ जाएगा फ़ौरन। ये ऑनलाइन सिस्टम है हमारा, साथ ही मैसेज आ जाता है और ये अभी अपनी जो पेमेंट है इस टिकट की फ़ौरन ऑन द स्पॉट ये हमारे साथ बैंक का नुमाइंदा इसको जमा करवा देंगे। और नेक्स्ट आइंदा आपने केयरफुल रहना है, ठीक है जी? बिल्कुल नाज़रीन, आप देख सकते हैं पेमेंट के हसूल को आसान बनाने के लिए, चालान के हसूल को आसान बनाने के लिए बैंक का नुमाइंदा जो है ये मोटरवे पुलिस के साथ ही मौजूद होता है, जो कि फौरी तौर पर जो है वो डिडक्ट कर ली जाती है अमाउंट, इनको एक टिकट की कॉपी इशू कर दी जाती है जी। तो नाज़रीन आज आपने देखा कि नेशनल हाईवेज़ एंड मोटरवेज़ पुलिस जो है वो किस मैकेनिज़म के ऊपर वर्क करती है, जो स्पीड लिमिट कैमरा लगाया जाता है कैसे वो वर्क करता है, कैसे आने वाली गाड़ी की स्पीड को मैयर किया जाता है, और जिन लोगों ने वायलेशन की आपने देखा कि किस तरह उनको जो है वो चालान और टिकट भी इशू किया गया। सर लास्ट पे हमारी पब्लिक को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए जी, मेरा आपकी तवस्सुत से सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला है लोगों की अवेयरनेस के लिए, लोगों के फ़ायदे के लिए। तो आपके तवस्सुत से मैं ये तमाम जितने भी लोग इस प्रोग्राम को देखेंगे देख रहे हैं उनके लिए मेरा यही पैगाम है कि आप लोग प्लीज़ जो ट्रैफिक रूल्स हैं उनको लाजमी फॉलो करें। रोड के ऊपर आप तब गाड़ी चलाएं जब आप गाड़ी चलाने के अहल हो जाएं, आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस हो, और उसके बाद अपना और दूसरे रोड यूज़र का जो राइट है, राइट ऑफ वे है, उसका एहतराम करें। किसी भी सूरत में कानून शिकनी करने की कोशिश ना करें। अगर आप कानून शिकनी करेंगे, चाहे वो पुलिस आपको देख रही है या नहीं देख रही, आप कानून शिकनी करेंगे तो आप डेफिनेटली डेंजर में आ जाएंगे। आप खुद भी ख़तरे में होंगे और आपके साथ रोड के ऊपर जितने बाकी भी लोग चल रहे हैं वो भी ख़तरे में आ जाएंगे, और उससे खुदा न खास्ता आपकी या किसी दूसरे की जान भी जा सकती है। तो लिहाजा जितने भी ट्रैफिक कवानीन हैं उनका एहतराम करें, बिल्कुल गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा ना करें, इंतहाई मोहतात विद इन द लिमिट्स, चाहे वो स्पीड लिमिट है, सीट बेल्ट का इस्तेमाल है, या मोबाइल फ़ोन का जो दुराने ड्राइविंग ममानियत है, या लेन्स का हक है, राइट ऑफ वे का हक है, तमाम जितने भी रूल्स हैं उनको फॉलो करें। तमाम जो रोड यूज़र जो मोटरसाइकिलिस्ट हैं उनके लिए खसूसी पैगाम है कि वो हेलमेट का इस्तेमाल करें, बैक व्यू मिरर का इस्तेमाल करें, और रोड के इंतहाई बाएँ जानब चलें। छोटी गाड़ी है, दो पहियों वाली गाड़ी है, रोड के साथ इसका कम्युनिकेशन बड़ा मखसूस सा होता है, तो ये अल्लाह ना करे बड़ी जल्दी जो है वो डिसबैलेंस भी हो सकती है, और उससे खुदा ना खास्ता मोटरसाइकिल से गिरेंगे तो हेड इंजरी होगी। इसके अलावा बाकी भी तमाम चलने वाली ट्रैफिक के लिए भी मेरा यही पैगाम है, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें, एक दूसरे का जो राइट ऑफ वे है उसका एहतराम करें, ताकि आपका और बाकी तमाम रोड के ऊपर चलने वालों का जितने भी लोग हैं उनका सफ़र महफूज तर हो और वो बखैर वाफियत अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचें। अच्छा बिल्कुल जी, रोड और ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करें, सीट बेल्ट पहने, हेलमेट का इस्तेमाल करें, और जो लेन असिस्ट है उसको देखते हुए अपनी लेन में रहें, और ट्रैफिक कानून पर अमल दरामद करते हुए ड्राइविंग करें, ताकि आपके और आपके अहले खाना और रोड पर चलने वाले तमाम लोगों की ज़िंदगियों को महफूज बनाया जा सके। अगर आप भी महफूज सफ़र करना चाहते हैं तो इन तमाम कवानीन पर अमल दरामद करें, वरना आपका भी चालान हो सकता है और आप भी खतरे में आ सकते हैं। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें। इसी के साथ अपने मेज़बान मुबशर नज़ीर कुरैशी को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए आवाज़ पाकिस्तान। आवाज़ पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रह सकें। शुक्रिया।